जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि आपको हमेशा नई और सटीक जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, कमेंट्स में लिखना है जय श्री महाकाल और वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अच्छे दिन कब आएंगे। हर व्यक्ति के मन में एक ख्याल होता है कि अच्छा समय हमारा कब आएगा, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन वक्त अच्छा नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात कि अपने दिमाग में ये चीज़ निकाल दें कि कोई भी वक्त ख़राब या अच्छा, बुरा या ऐसा नहीं होता है, ये केवल हमारे मन का एक वहम होता है। आप अगर मन में धारणा पॉजिटिव बना लेंगे तो समय अच्छा है, नेगेटिव बना लेंगे तो बुरा है। हम किन पैमानों के आधार पर उस चीज़ को नाप रहे हैं? अगर आप निरोगी काया है तो इस दुनिया के सबसे सबसे खुशहाल आदमी हैं आप। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों की संपत्ति, और आपकी काया निरोगी नहीं है, आपको तमाम प्रकार की बीमारी है, तमाम प्रकार की तकलीफें हैं, तो क्या मतलब का? तो वास्तविकता में जिए सबसे पहली बात, और वास्तविकता यही है कि सबसे पहली और बेसिक नीड है निरोगी काया, बाकी सब माया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी इस पैमाने से मत तूलिएगा कि ये है वो है। मूलभूत आवश्यकताएं जरूरी है, उससे ज्यादा जो भी आप करना चाहते हैं वो हमारा वहम है। तो आप इस पैमाने को पहले अपने आप में नापे, अगर आप इन पर खड़े हैं तो फिर आप खुद समझ जाएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। दूसरी बात होती है तुलनाएं, जो मैं हमारे हमेशा मैं एक बात कहता भी हूँ आपसे, जब हम किसी से तुलना हमारी करते हैं तो उसमें हम यही पाते हैं कि हम खुद को नीचे पाएंगे। बहुत कम ऐसी तुलनाएं होती है, तुलना का हमारे लिए तुलना का मतलब ये है कि उससे नीचा दिखना, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम ये सोचते हैं कब अच्छा समय आएगा। तीसरी बात है, हम सोचते बहुत ज़्यादा है लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, तो परिणाम आपके फेवरेबल नहीं आएंगे। गीता में लिखा है स्पष्ट रूप से, कर्म कर फल की चिंता मत कर। हम कर्म ही नहीं कर रहे, केवल केवल फल की चिंता कर रहे हैं और कर्म कर ही नहीं रहे। ये वास्तविकता है जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो इस बात पर फोकस आप हमेशा करें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। चौथी बात है जो मैं हमेशा भी कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, इस बात को बहुत सीरियसली लीजिएगा, भगवान का स्मरण। आप जितना ईश्वर का स्मरण लेंगे, जितना आप नाम लेंगे, वो मंत्र का जाप करेंगे, आपके पास का वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे परिणाम आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो इन बातों का अगर आप अनुसरण करेंगे, इन बातों को मानेंगे, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। एक और बात है दोस्तों कि इन 5 बातों में से आपको कौन सी बात अच्छी लगी वो कमेंट्स में आप लिखेंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय लिख सकते हैं, इस सभी राशियों के लिए यही बात है, कोई के लिए अलग बात नहीं है, और हमेशा इसी तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।